हरियाणा से है जहां पर सोनीपत में लाइव खुदकुशी का मामला सामने आया है। दीपक नाम के एक युवक ने फेसबुक पर वीडियो लाइव कर फांसी लगाई है। आत्महत्या से पहले उसने 60 पेज की एक डायरी के साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें खुदकुशी के लिए दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल और एएसआई को जिम्मेदार बताया है। और यही नहीं, दीपक ने दीवार पर एक नोट भी लिखा है जिसमें दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल और एएसआई पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल उषा बोस और एएसआई सुरेश वत्स के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी दीपक को हो गई थी और उसने ये बात उषा के पति को बता दी थी, जिसके बाद से ही वो दोनों उसे लगातार धमकियां दे रहे थे। डायरी में पूरा नोट लिख के गया है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने टॉर्चर किया। दीवार पे भी नोट छोड़ के गया है। लाइव उसने फेसबुक पे सुसाइड भी दिखाया अपना, और उसने उषा बोस जो कि दिल्ली पुलिस में है, सुरेश वत्स जो दिल्ली पुलिस में, और एक अरविंद जो कि दिल्ली पुलिस में, तीनों को ब्लेम किया। उसने बताया कि वो लोग उसको धमकी देते थे, और ये भी बताया कि उन्होंने उसके पेट पर गल लगा के बोला भी था कि तुझे जान से मार देंगे। हमें कल सूचना मिली है कि शाम को देव नगर में किसी ने फांसी लगा ली है। जो सूचना पर मौके पर गए हैं, वहाँ पर एक डायरी मिली है और दीवार पे तीन बाय नेम के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, एफ आई आर लॉज कर दी गई है। जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।